हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जिस टॉपिक पे हम कल थे, हमने किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, और वो तीनों क्या थी? पहली तो इम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, दूसरी रीजनल इक्वलिटी, और तीसरी इनकम इक्वलिटी, है ना। इनकम इक्वलिटी बोलते हैं उसको, जो हमने पढ़ दी दे आर इक्विटी ओरिएंटेड, है ना, SSI। तो हमने इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, और क्या पढ़ा था इसके बाद? हमने कहा था IPR 1956 ने सजेस्ट किया कि इनके ऊपर क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद सब्सिडीज। ये तीन बातें हमने पढ़ी थी। यहाँ पे खत्म हो गया था SSI का टॉपिक। और अब पढ़े नेक्स्ट टॉपिक, लिखो आप फीचर्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फीचर्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1950 टू 1990। फीचर्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ लिख। फीचर्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1950 टू 1990। And its achievements oblique failures. ठीक है जी, एक तो फीचर्स, एक अचीवमेंट्स और एक फेलियर्स। तीन बातें हम रह गई पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो फीचर्स। उन्नीस से लेके 1990 तक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, हम उसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। एक दो साल के नहीं, 1950 से लेके 1990 तक। सर 90 तक क्यों? क्योंकि 91 में आया था रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स? 91 में कौन से रिफॉर्म्स आए थे? एलपीजी रिफॉर्म्स। तो इसीलिए हम कहां तक पढ़ रहे हैं? 1950 से लेके 1990 तक। इसलिए 91 नहीं लिखा, 90 तक, क्योंकि 91 में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए। तो क्या फीचर्स थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के 40 साल के फीचर्स? तो लिखो सबसे पहला, नंबर वन, पब्लिक एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पब्लिक एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पहला फीचर। फीचर नंबर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। And even that role to play under license raj, यानी licensing थी हर जगह पे, उसे बोलते हैं license raj। राज हिंदी का वर्ड है, RAJ, मतलब license raj। ठीक है, देखो नंबर तीन, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फोकस्ड ऑन
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अब यहां वर्ड आ गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है पहले एक बार पढ़ा हुआ आपने कहीं पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मालूम है किसी को, मालूम है क्या होता है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या है मालूम, क्या वर्ड है ये मालूम है किसी को? अरे पढ़ के पता लग रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये नहीं तो दूसरा। तो जो हमारी ये पॉलिसीज थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका एक बड़ा फोकस था, वो फोकस था इंपोर्ट, मतलब जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो चीजें जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कोलगेट से लेके नहाने के साबुन से लेके टूथब्रश से लेके शूज से लेके, ये चीजें जो हमारी डेली लाइफ की हैं जिन्हें हम इंपोर्ट करते हैं सुबह से शाम तक, ऐसी हजारों चीजें जो हम यूज करते हैं जिन्हें हम इंपोर्ट करते थे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कहा गया कि फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये जरूरी चीजें जो आम आदमी, देखो ना कितनी जनसंख्या हिंदुस्तान की है, सारे ब्रश करते हैं, सारे टूथपेस्ट यूज करते हैं, सारे ऑलमोस्ट शूज डालते हैं, सारे ऑलमोस्ट कपड़े डालते हैं, सारी चीजें अगर हम इम्पोर्ट करते थे पहले, तो उन्होंने कहा इस पे फोकस करो, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो, मतलब जो माल हम बाहर से मंगवाते हैं वो यहीं पे बनाना स्टार्ट करो, उससे होगा क्या आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। तो अगर आपको लिखने को पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो क्या लिख सकते हो आप इसके लिए, दो लाइन लिख सकते हो अपने आप, दो लाइन लिख सकते हो अपने आप, मींस टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, लिखो स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर यूज बाय द जनरल पब्लिक ऑन अ डेली बेसिस एंड वी आर इंपोर्टिंग देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा हमने सारा, पढ़ो तो एक बार पूरा, क्या लाइन बन गई, तुम बन गई पूरी, पढ़ना जरा। ठीक है जी, मतलब उन चीजों की प्रोडक्शन को स्टार्ट करना जो एक आम जनता यूज करती है ऑन अ डेली बेसिस, ऐसी चीज को, इसमें पैसा बहुत खपता है, इसमें पैसा बहुत जाता है, इसमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। अगर मान लो एक टूथब्रश की बात करें कि हिंदुस्तान में टूथब्रश बनना बंद हो जाए, तो आप सोचो हर रोज सुबह उठ के कितने लोग हैं जो ब्रश करते होंगे, ऑलमोस्ट सब, नहीं कहीं नहीं भी करते, ऑलमोस्ट सब है ना, तो कितने टूथब्रश एक साथ, और अगर ये इम्पोर्ट करने स्टार्ट करते बाहर से यहां बनने बंद हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें इन्हें कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और भी चीजें इसके अंदर है, छोटी मोटी मशीन्स हो गई है ना एग्रीकल्चर में यूज वाली, लेकिन मेनली यही है जो हम डेली यूज करते हैं, उन चीजों को क्या करना सब्स्टिट्यूट कर देना, इम्पोर्ट ना करके घर में ही प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। चलो आगे बढ़ जाओ, अच्छा आगे बढ़ जाओ, पॉइंट नंबर 4, एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड, बाय फॉरेन कंपटीशन या फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कर लो, बाय काट के फ्रॉम कर लो, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। मतलब अब जब हम यहां प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी कंपनियां खोलेंगे, फॉरेन कंपटीशन,
तो बाहर की कंपनियां जो यहाँ माल सप्लाई करती थी वो हमें कम्पीट करेगी और कर भी रही है। सोचो ना आप, एक कंपनी जो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर बैठ के सामान बनाती है चाइना के अंदर, और एक कंपनी जो यहाँ बैठी है इधर देश के अंदर, वो चाइना से यहाँ तक सामान भेजती है, उसका बाय सी से किराया लगता होगा, फिर बाय रोड ट्रांसपोर्ट लगता होगा, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी भी पड़ती होगी। सोच के देखो आप, उसमें कितने टैक्स लगते होंगे, पैकिंग मटेरियल भी लगता होगा। वो कंपनी वहां बैठ के उस देश से इस देश में सामान भेज देती है, और वो भी इस देश से 20-25% सस्ता, जबकि रॉ मटेरियल वहां भी है और रॉ मटेरियल यहां भी है। यहां ज्यादा रॉ मटेरियल है, वहां कम रॉ मटेरियल है, फिर भी वो कंपनी वहां से सामान बना के यहां बेच देती है हमारे यहां पे, जबकि उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ता होगा बाय सी। मालूम है समुद्र, बाय समुद्र के रास्ते जो सामान आता है वो कंटेनर्स में आता है, कंटेनर्स में 40 फीट कंटेनर होते हैं या 20 फीट, दो ही साइज होते हैं, तीसरा साइज नहीं होता। उस कंटेनर का भी किराया होता है, फिर वो कंटेनर जिस शिप के ऊपर रखा होता है उसका भी किराया होता है, फिर जहां पे वो कंटेनर ऑफलोड होता है डॉक चार्जेस उसका भी किराया होता है, फिर वो दोबारा से लोड किया जाता है उसका भी किराया होता है, फिर वो बाय ट्रांसपोर्ट यहां तक पहुंचता होगा बालाघाट तक उसका भी किराया होता है। इतने किराए देने के बाद भी वो कंपनी 25-30% सस्ता हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में माल बेच देती है, ऐसा क्या करती है? सोचो ना, है ना, कितना बड़ा काम है। वो लड़ी, अभी दिवाली आने वाली है ना, आने वाली है दिवाली, अभी देखो ना दिवाली में वो लक्ष्मी जी की मूर्ति से लेके, वो गणेश जी की मूर्ति से लेके, और वो जिसमें हम दिवाली की पूजा करते, क्या बोलते इसको आप, जिसमें से घंटे से टंगी होती है, क्या बोलते हो, है जिसमें पूजा करते हैं दिवाली की, वो सारी अच्छा हाँ, और फिर वो लड़ियां, वो रंगीन, वो बल्ब डेकोरेशन, वो सब कहां से आएगा? चाइना से। कहां से आएगा? चाइना से। चाइना से वो सब कुछ आएगा, यहाँ पे बिकेगा और 20-25% सस्ता बिकेगा। यहाँ हिंदुस्तान की बनी हुई लड़ी अगर 50 की होगी तो चाइना वाला 20 की बेच देगा। इतना किराया, इतनी ड्यूटी, इतना सब कुछ भरने के बाद भी, फिर भी जो दुकानदार उसको बेच रहा है वो भी तो कमाएगा, रेट टू रेट तो कोई बेचता नहीं, वो भी 5 रुपए कमा रहा होगा बीच में, तो कहां गलती है? तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, किससे? फॉरेन कंपटीशन। कैसे किया गया प्रोटेक्ट? लिखो पॉइंट ए, पॉइंट ए, इसी पॉइंट के अंदर लिखो पॉइंट ए, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। कैसे किया गया? हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स पे ड्यूटी बढ़ा दी गई ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। पहला काम ये किया गया, लिखो बी, पॉइंट बी, फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा, फिक्सेशन ऑफ, फिक्सिंग ऑफ, फिक्सिंग लिख लो, फिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट कोटा। पता क्या होता है कोटा सिस्टम? मालूम है क्या होता है? मतलब इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये कोटा बांध दिया गया, फिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट कोटा, QUOTA, फिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट कोटा, यानी एक लिमिट बांध दी गई कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्री का माल भी बिकेगा, ठीक है जी। तो ये दो काम किए गए। आ जाओ आगे पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू, विद अ व्यू टू बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर से बना, इंफ्रास्ट्रक्चरल CAL हो जाएगा लास्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री, लिख स्पेलिंग लिख, INFRASTURUCTURAL
CTURAL इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री, ठीक है जी, ये भी एक काम किया गया। आ जाओ आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। ये छह काम किए गए 1950 से लेके 1990 के अंदर इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये छह मेन पॉलिसीज थी 1950 से लेके 1990 तक, 40 साल के अंदर ये टारगेट था, ये हमारे फीचर्स थे किसके, जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। ये छह बड़े बड़े फीचर थे, कौन से छह फीचर थे बताएगा कोई? पहला क्या था, सबसे पहला कि पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया जाए, दूसरा क्या था, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया जाए, वो भी किसके अंदर, लाइसेंस राज के अंदर, तीसरा फीचर क्या था, इम्पोर्ट का सब्सिड्यूट ढूंढा जाए, चौथा फीचर क्या था, हाउ टू प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और वो कैसे किया गया, दो काम किए गए, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई और दूसरा इम्पोर्ट कोटा फिक्स कर दिया गया, और लास्ट वाले और क्या थे, दो लास्ट के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया, दिमाग में ये बात रखे विद अ व्यू टू ऑब्टेन व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री। अच्छा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया क्या सोच के, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। छह काम किए गए 1950 से लेकर 1990 की जो पॉलिसीज थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके अगर फीचर की बात करें तो 40 साल के अंदर हमें छह फीचर ही याद रखने हैं। ये छह बड़े बड़े काम किए गए, पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दूसरा रोल दिया गया, इम्पोर्ट का सब्सिट्यूट ढूंढा गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, और लास्ट इंडस्ट्री को किसके लिए क्या काम किया गया, ऑन द बेस ऑफ विद अ व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द कंट्री, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, ये छह काम, ठीक है जी। आ जाओ अब पढ़े अचीवमेंट, हमने अचीव क्या किया, अचीवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1950 टू 1990, ठीक है जी। सबसे पहली अचीवमेंट है द अचीवमेंट नंबर वन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया GDP, पहली अचीवमेंट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया GDP, कोमा डाल के एस कर देना, इंडिया GDP। इट इंक्रीज फ्रॉम 11.8% in 1950-51 में कितनी थी, 11.8% इन 1950-51 टू 24.6% इन 1990-91, ठीक है जी। 11.8 से बढ़ के कितनी हो गई, कब थी 11.8, कौन से साल की बात हो रही है, 1951, और 24.8 कब हो गई, 1991 के अंदर, ठीक है जी। चलो आगे लिखो, डाइवर्सिफिकेशन, द सेकेंड अचीवमेंट इज डाइवर्सिफिकेशन। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। जब एक कंपनी एक प्रोडक्शन करती है और साथ में और भी बहुत सारे काम करने लग जाए, दैट इज कॉल्ड, सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाटा, सॉल्ट से लेकर कार तक बहुत कुछ है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन।
कंपनी एक ही है लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट में काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। और हर प्रोडक्ट का अलग से एक ऑफिस है, ठीक है जी। हम तो क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्सिफिकेशन। तो लिखो इसके अंदर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपीरियंस्ड डाइवर्सिफिकेशन means producing of variety of goods, producing of variety of goods, experienced the industrial sector experienced diversification means producing of variety of goods. It was no longer restricted to jute and cotton. मतलब पहले हम सिर्फ दो ही चीजें एक्सपोर्ट कर पाते थे या दो ही चीजें प्रोड्यूस कर पाते थे, वो थी क्या, जूट और कॉटन। अब डाइवर्सिफिकेशन हो गया, किसके बाद, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद। 1950 से 1990 के बीच में जो काम हुआ उसके अंदर क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब और भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने लग गए, पहले वही था बस, खेती कर लो या जूट कॉटन कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब बढ़ गया, ठीक है जी। आगे लिखो फटाफट जल्दी से, It was largely due to expansion of public sector and protection of domestic industry. ये जो डाइवर्सिफिकेशन था ये पॉसिबल कैसे हुआ, दो कारणों से। कैसे, नंबर वन एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और नंबर टू प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, दो काम किए गए ताकि हम और सारे प्रोडक्ट बना सके। अच्छा कौन से क्षेत्र के अंदर, मतलब कौन से एरिया में हुआ, हमने क्या बनाना स्टार्ट किया, तो लिखो फटाफट जल्दी से, न्यू प्रोडक्ट्स, या इसी में न्यू प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड, इसी में बेटे, इसी में न्यू प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। एंड अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनो, इस पूरे पॉइंट को समझो। हमने क्या कहा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अब हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जो थी उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन आ गया। इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स। अच्छा जी, ये पॉसिबल कैसे हुआ, दो कारणों से, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, पहले हम क्या बनाते थे, जूट था और कॉटन थी। अब हम क्या कर रहे थे, हम एंटर कर गए कौन से प्रोडक्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल और वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर। हो गया पॉइंट का, ये लैंग्वेज लिखो या ना लिखो, पॉइंट को समझना जरूरी है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, पॉइंट आपका होना चाहिए, पॉइंट की समझ रखो, लैंग्वेज की बात छोड़ दें कि सबने ये वाली लाइन यहां लिखवाई थी, ये पॉइंट यहां लिखवाया था, ऐसा नहीं चलता है। आप पॉइंट को समझो क्या है, इस पॉइंट में तीन बातें हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन में चले गए, पहला कैसे गए, दो तरीकों से, क्या क्या किया, तीन काम, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। लिखो,
देयर वाज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देयर वाज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यू टू due to protection from foreign companies, protection from foreign companies and large scale industries. through various policies. ठीक है जी, अपने घर की जो छोटी छोटी कंपनियां थी उनको बचाया गया दो तरीके से, एक तो फॉरेन कंपटीशन से और एक घर के अंदर जो मगरमच्छ बैठे हैं कौन से वाले, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाले। हाँ, बड़े मगरमच्छ होते हैं तो छोटी छोटी कंपनियों को खा जाते हैं। आप जैसे कि कंपनी स्टार्ट करोगे ना स्मॉल इंडस्ट्री और आपकी कंपनी चलने लगेगी और बहुत अच्छा काम करने लगोगे आप, और जैसे ही मार्केट में आपका नाम होगा तुरंत आपके सामने ऑफर आ जाएगा, बेच रहे हो कि नहीं, आपको कि नहीं बेच रहे हो तो अगले दिन बंद हो जाएगा। ऐसा कर दिया जाएगा, मार्केट में ऐसा घुमाव डाला जाएगा। अभी देखो ना, बड़े वाले जो बैठे हैं बड़े मगर, मान लो आप भी ये पेन प्रोड्यूस कर रहे हो और मार्केट में लोगों को इतना पसंद आ रहा है, और ये एक बड़ी कंपनी है कैमलिन, ये भी पेन प्रोड्यूस कर रही है, एग्जाम्पल ले लो, ये इशू की कंपनी है कैमलिन, इसको पता लगा ये वाला पेन बहुत बिक रहा है, पता लग गया मार्केट में, मार्केट अवेयरनेस होती है, अरे यार ये तो पूरा मार्केट कवर कर रही है, इसने ऑलमोस्ट नॉर्थ कवर कर दिया है, और नॉर्थ के अंदर कैमलिन की सेल जो 20% 30% डाउन चली गई, पता लगा ना। अब वो पता करेगी इसका मार्केट प्राइस क्या है, 20 रुपए, मेरा प्राइस क्या है, 20 रुपए, पहले वो तुझे ऑफर करेगी, कंपनी बेचनी है चेक लिख के ये पकड़ो, तुम्हारी टोटल सारा जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है ये वो अगले 10 साल का प्रॉफिट सब डाल के तुम्हारे को खरीदने की कोशिश करेंगे, तो बोलोगे नहीं बेच, मैं तो मेहनत करूंगी, मैं तो नॉर्थ से साउथ में जा रही हूँ ये पेन बेचने के लिए, वहां भी झंडा गाड़ देंगे, बोलेंगे ठीक है, पता क्या करेंगे वो, आपका पेन कितने का है, 20 का, उनका कितने का कर देंगे, 15। वो बड़े हैं, उनके पास खेलने के लिए पैसा है, वो 5 रुपए के लॉस पे पेन बेचेंगे या फिर कह देंगे ब्रेक इवन पॉइंट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो 5 रुपए घाटे पे भी बेच सकते हैं और 1 साल तक लगातार बेचते रहेंगे। क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम थी, आपका पेन अच्छा चल रहा था, अब क्या होगा, कोई देगा 5 रुपए फालतू आपके पेन के, तो फिर धरा रह जाएगा मार्केट में स्टॉक, बिकेगा ही नहीं, जब बिकेगा नहीं तो क्या नहीं है, डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन ठप, तो फिर आप हाथ जोड़ के जाओगे, अब खरीद लो, पहले वो ऑफर कर रहा था आपको 50 करोड़, अब देगा 10 करोड़, क्योंकि अब आप हाथ जोड़ के खड़े होंगे, यही होता है मार्केट में, दैट इज द रूल ऑफ मार्केट, ऐसा ही चलता है मार्केट में। ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, ये खा जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ये नहीं चाहते कंपटीशन में कोई आए, कोई भी छोटी मोटी कंपनी मान लो डिटर्जेंट बनाना स्टार्ट कर दे या साबुन बनाना स्टार्ट कर दे, बड़ी कंपनी तुरंत उसको टेक ओवर कर लेती है तुरंत, बस उसका अगर एक एरिया में भी चल गया ना काम, मानो लोकल भी चल गया अंबाला कैंट के अंदर भी, तब भी बड़ी कंपनी को पता लग जाता है, क्योंकि सेल हट गई ना इस एरिया से, तुरंत पता लग जाता है कि यहाँ पे सेल कम हो गई, मतलब कोई घुस गया, कौन घुसा पता करो, ये लोकल कंपनी उठा लो। हाँ, तो फिर प्रोटेक्शन की जब बात आती है ना, प्रोटेक्शन की, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना ही करना है, और जो अपने घर में बैठे हैं ना लार्ज वाले उनसे भी प्रोटेक्ट करना है, और कैसे किया गया, थ्रू वेरियस पॉलिसीज। पता है कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, बताओ क्या क्या थी, वही तीनों सेम बातें लिख देना, लिख दो यहाँ पे, वही सेम तीनों बातें लिख देना, कौन सी तीन बातें थी याद है आपको, कौन सी तीन बातें थी बताओ, सब्सिडीज, दूसरा कंसेशन, और तीसरा, तीन बातें थी ना, लिख दो, वही सेम तीन बातें, मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा हूं। चलो अब आ जाओ फेलियर्स, अब है फेलियर्स ऑफ
या फेलियर्स बोलो या नेगेटिव इम्पैक्ट बोलो या बैड इफेक्ट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, फेलियर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है जी, फेलियर्स। तो सबसे पहला फेलियर है मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। द फर्स्ट फेलियर इज मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। बोलो इसमें क्या लिखोगे आप, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी क्या लिखोगे इसमें, इसमें क्या लिख सकते हो, क्या दिमाग कहता है आपको, क्या लिखोगे? देखो 1950 से लेकर 90 तक जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या कहा, मेन रोल किसको दिया? अगर प्राइवेट कंपनी खुली हुई तो क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस। इसका मतलब ये सबसे बड़ा बैड इफेक्ट था, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था किसका, 1950 से लेकर 1990 तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, क्या मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। सब कुछ किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर को, किसको दे दिया सब कुछ, पब्लिक सेक्टर को। तो यानी एक तरीके से क्या क्रिएट की गई, मोनोपोली क्रिएट कर दी गई, किसकी, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर चाह के भी उसमें एंटर नहीं कर सकता, ये इसका बैड इफेक्ट था। और कितनी कंपनियां थी याद है आपको, जहां सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगा, 1956 के अंदर जो आईपीआर आया, 1956 आईपीआर ने कितने हिस्सों में बांटा था, कितनी हिस्सों में बांटा, शेड्यूल के अंदर तीन में, 48 ने बांटा था चार में, तो 16 है, हाँ 56 ने तीन में बांटा था, तीन ग्रुप्स में। पहला ग्रुप क्या था, पहले ग्रुप में कितनी कंपनियां थी, 17, दूसरे वाले में, और जो बच गई वो तो सारी किसके पास चली गई, पब्लिक सेक्टर के पास। तो फिर क्या हो गई पब्लिक सेक्टर की, मोनोपोली। यही हम पहले पॉइंट में लिख रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। तो लिख लो फटाफट जल्दी से, रेस्ट्रिक्टिंग सर्टेन इंडस्ट्रीज entirely to the public sector lead to monopolistic tendency। in those days, उन दिनों में people had to wait for years to get a telephone connection, मतलब उन दिनों में हालात ये थे कि अगर एक टेलीफोन कनेक्शन भी लेना है ना, तो उसके लिए भी कितने वो सामने से आ रहे हैं, भैया लगवा लो यार। देखा आपने, अभी देखो आप क्या हालात थे उस टाइम पे, कि टेलीफोन कनेक्शन अगर आना है घर में तो कम से कम भी 4-5 महीने लग जाते थे, और कितने बार ऑफिस जाना पड़ता था, कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि टेलीफोन लगा दो घर पे, और जब घर पे टेलीफोन लगता था तो घर पे वो पार्ट रखा जाता था कि टेलीफोन लग गया इस घर में, ऐसा था पहले। किस लिए पता, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सब कुछ सरकारी हाथों में चला गया। ठीक है, चलो इसके आगे कल पढ़ेंगे, इसके आगे कल करेंगे और खत्म कर देंगे इसको, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल करेंगे।